नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. इन ए सर्वे ऑफ 100 persons, इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी एंड 42 रीड मैगजीन सी. 100 पीपल्स का एक सर्वे हुआ है जिसमें से 28 जो है वो मैगजीन ए को पढ़ते हैं, 30 मैगजीन बी को पढ़ते हैं, 42 मैगजीन सी को पढ़ते हैं. तो हम पहले यहां अज्यूम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हू स्टडी मैगजीन ए, जो मैगजीन ए को पढ़ते हैं. एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल्स हु स्टडी मैगजीन बी, सी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु स्टडी मैगजीन सी. एंड ए डिनोट कर रहा है मैगजीन ए पढ़ने वालों को, बी डिनोट कर रहा है मैगजीन बी पढ़ने वालों को, सी डिनोट कर रहा है मैगजीन सी पढ़ने वालों को. अब यहां पर हमें एंड इसमें हम मान लेते हैं यू डिनोट्स द सेट ऑफ टोटल पीपल्स सर्वेड, टोटल पीपल्स सर्वेड. नाउ एन यू हमें क्या दे रखा है यहां पर, 100 दे रखा है. एंड एन ए जो मैगजीन ए को पढ़ते हैं वो 28 दे रखे हैं. एन बी मैगजीन बी को पढ़ने वाले 30 दे रखे हैं. एंड एन सी मैगजीन सी को पढ़ने वाले हमें 42 दे रखे हैं. एंड 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 8 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पढ़ते हैं. मींस एन ए इंटरसेक्शन बी 8 दे रखा है. और हमारे पास 10 ऐसे हैं जो ए और सी को पढ़ते हैं. एन ए इंटरसेक्शन सी 10 दे रखा है. एंड 5 ऐसे हैं जो बी और सी को पढ़ते हैं. एन बी इंटरसेक्शन सी 5 दे रखा है. एंड 3 रीड ऑल 3 मैगजीन्स, और 3 ऐसे हैं जो तीनों मैगजीन्स को पढ़ते हैं. अब आप यहां पर एक की पॉइंट नोट करें कि हमने यहां पर जो टोटल पीपल सर्वेड है उसको यू माना है, उसको यूनियन नहीं लिया है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहां पर दिया होता कि आउट ऑफ 3 मैगजीन, आउट ऑफ टोटल पीपल्स एवरी पीपल रीड एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ मैगजीन, कि हर पीपल जो है वो 1 टाइप की, कम से कम 1 टाइप की मैगजीन पढ़ता है, ये दिया हुआ होता तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर हो जाता, 100 के बराबर हो जाता. अब इस 100 में कुछ ऐसे भी हैं जो ना ए पढ़ते हैं, ना बी पढ़ते हैं और ना ही सी पढ़ते हैं, तो इसीलिए ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा अलग रहेगा इसके अंदर. अब वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स, तीनों में से एक भी मैगजीन ना पढ़ने वाले. उससे पहले हम ये निकालेंगे कि जो तीनों मैगजीन्स को पढ़ते हैं या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी. वी नो दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. एन ए है हमारे पास 28, एन बी है 30, एन सी है 42, ये 8, 10, 5 प्लस 3. सभी को ऐड करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 3 हो गया हमारा 13, कैरी 1, 4 3 7 2 9 103 माइनस यहाँ पे 23 आ गया, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 2 इज 8. ये 80 कौन से हैं हमारे, जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ते हैं. द पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द मैगजीन्स. हमें निकालना है
pupils who don't read any magazine, जो कोई सी भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तो टोटल में से हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कम से कम एक मैगजीन पढ़ते हैं, तो 100 माइनस 80 दैट इज 20, 20 पीपल्स ऐसे हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं हमारा। अब सेकंड वो पूछ रहा है हाउ मैनी रीड सी ओनली, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है हमारा। एन ए हमें कितना दे रखा है, एन ए हमें दे रखा है आपका 28। एन बी कितना दे रखा है हमें, एन बी हमें दे रखा है 30। एन सी कितना दे रखा है हमें, 42 दे रखा है। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी है और ये हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ये वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी है, एन बी इंटरसेक्शन सी और ये हमें क्या दे रखा है, 5। ये वाला हिस्सा एन ए इंटरसेक्शन सी है और ये हमें दे रखा है आपका 10। अब यहां पर हमें जो तीनों को पढ़ते हैं वो 3 दे रखे हैं, ये वाला हिस्सा है 8। इसमें से मैं यदि वो निकाल दूं जो सभी को पढ़ते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5। और ये 5 कौन से हैं हमारे, ये 5 हैं जो ए और बी को पढ़ते हैं, केवल ए और बी को पढ़ते हैं हमारा। सेम यहां पर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा 2। ये 2 कौन से हैं हमारे, जो बी और सी को पढ़ते हैं, केवल बी और सी को पढ़ते हैं। यहां पर 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा 7। 7 कौन से हैं, जो ए और सी को पढ़ते हैं, केवल ए और सी को पढ़ते हैं। उसके बाद ये हैं हमारे जो मैगजीन ए को पढ़ते हैं, इनमें ये मेंबर ऐसे हैं जो औरों को भी पढ़ते हैं, तो 5, 3, 8 और 7 हो गया 15। इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो मिलेगा 13। और 13 मेंबर कौन से हैं, जो केवल ए को पढ़ते हैं, रीड ए ओनली, जो केवल ए को पढ़ते हैं। अब बी वाले हिस्से में देखिए, बी वाले हिस्से में ये 5, 3, 2 ये मेंबर ऐसे हैं जो औरों को भी पढ़ते हैं, तो 35, 3, 8 और 2, 10 यहां से 20 ऐसे मिल जाएंगे जो केवल बी को पढ़ते हैं। अब यहां सी वाले में आ जाइए, 7, 3, 10 10 और 2 हो गया 12, 42 माइनस 12 कितना हो गया, 30। 30 कौन से हैं, जो सी को पढ़ते हैं, ओनली सी। अब जरा देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, ऐसे कितने हैं जो केवल सी मैगजीन को पढ़ते हैं। तो सेकंड, पीपल हु रीड मैगजीन सी ओनली, जो केवल सी मैगजीन को पढ़ते हैं। सो फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 30। आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो पूछे ए ओनली 13, बी ओनली 20, जो केवल ए और बी को पढ़ते हैं वो 5, जो केवल बी और सी को पढ़ते हैं वो 2, जो केवल ए और सी को पढ़ते हैं वो 7। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सभी का आंसर वेन डायग्राम से दे सकते हैं, तो वेन डायग्राम बनाना क्लियर हो गया, सभी आंसर आ जाएंगे आपके। ए सर्वे शोज दैट 67% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। एक सर्वे हुआ है जिससे पता चला है कि 67% जो पीपल हैं वो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, वेयर एज 73% लाइक प्रोडक्ट P2, और जो 73% हैं वो प्रोडक्ट P2 को लाइक करते हैं।
इफ एक्स परसेंट ऑफ द पीपल लाइक बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स पी वन एंड पी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो परसेंटेज हमें दे रखी है, तो परसेंटेज वाले केस में हम क्या करेंगे, जो टोटल है ना उसको 100 मान लेंगे। अब 100 का 67% निकालोगे 67 आ जाएगा, 100 का 73% निकालोगे 73 आ जाएगा, 100 का x परसेंट निकालेंगे x आ जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ये, लेट u डिनोट्स द सेट ऑफ टोटल पीपल सर्वेड एंड, और हमने मान लिया कि एन यू क्या है हमारा 100 है, लेट एन यू इज 100 एंड लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट पी वन, क्या है जो ए सेट है उन पीपल्स का है जो प्रोडक्ट पी वन को लाइक करते हैं, एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक प्रोडक्ट पी टू। अब हमारे पास एन ए कितना है, एन ए है हमारा 67%, और आप 67% निकालोगे 100 का तो कितना हो जाएगा हमारे पास 67। सेम एन बी हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 73 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी हमें x परसेंट दे रखा है, मतलब वो कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो ये तो थी अजम्पशन वाली बात। अब वो हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर एन ए यूनियन बी निकालते हैं पहले, क्योंकि एन ए यूनियन बी इसके बारे बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने नहीं कहा है कि हर कोई कम से कम एक प्रोडक्ट को लाइक करता है। तो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। एन ए यूनियन बी हमें निकालना है, एन ए है हमारे पास 67, ये है 73, ये है x, ये हो गया हमारा 140 माइनस x। अब ये एन ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। हम जानते हैं कि जो एन ए यूनियन बी है, वी नो दैट एन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल एन यू, कि भाई जितने टोटल पीपल सर्वेड हुए हैं एन ए यूनियन बी तो उससे हमेशा लेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है जब उनमें से हर कोई कोई ना कोई प्रोडक्ट को लाइक करेगा। एन ए यूनियन बी है हमारे पास 140 माइनस एक्स, ये है हमारे पास एन यू। अब 140 को हम इस तरफ ले जाएंगे या फिर दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन एन यू है हमारा 100 माइनस 140, यहाँ हो गया माइनस एक्स लेस देन माइनस 40। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब ऐसा क्यों हुआ है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। माइनस 5 इज लेस देन इक्वल माइनस 3, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही माइनस साइन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। अब जो पहले छोटा था वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। माइनस साइन अप्लाई करते ही बड़ी टर्म छोटी बन जाती है और छोटी टर्म बड़ी बन जाती है, और यही हमने यहाँ पर किया है। जैसे ही हमने माइनस अप्लाई किया, एक्स बड़ा और बराबर हो गया किसके, 40 के। एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई। और हम जानते हैं कि जो हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा ए से, और
एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किससे छोटा होगा? ऑलवेज लेस देन एन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ज्यादा से ज्यादा ए के एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं या फिर बी के एलिमेंट्स। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए क्या है हमारा, एन ए है 67, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी है हमारा 73 और ये है एक्स, एक्स इज लेस देन 67 एंड एक्स इज लेस देन 73। एक्स यहाँ पर 67 से लेस है और यहाँ पर 73 से लेस है, दोनों से हम कह सकते हैं। देखो दोनों कंडीशन से क्या है, 67 से भी लेस होना चाहिए और 73 से भी लेस होना चाहिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x इज ऑलवेज लेस देन 67। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, इन दोनों को x बड़ा है किससे, 40 से और बराबर है, और छोटा और बराबर किसके है आपका 67 के। तो यही क्या है हमारे पास यहां पर x की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू जो है वो हमें एक इंटरवल में मिलेगी, ना कि एक परफेक्ट वैल्यू। तो हम करंट, हमने किया क्या है, पहले जो टोटल पीपल सर्वे हुए उन्हें 100 मान लिया, एन ए निकाला, एन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी x दे रखा था, ए यूनियन बी कैलकुलेट किया। हमें पता है कि जो एन ए यूनियन बी है वो एन यू से लेस होता है, यहाँ से हमें मिला कि जो x है वो बड़ा या बराबर होगा 40 के। यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन एन ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल एन बी। यहाँ से x लेस देन 67 मिल गया, तो x बड़ा है 40 से और छोटा है 67 से, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू ईजिली मिल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। 25 स्टूडेंट्स का एक सर्वे हो रहा है एंड यहाँ पर तीन सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं, तो तीनों सेट्स को हम पहले अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया एंड लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन, जिन्होंने क्या लिया है हमारा मैथ्स लिया है, एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स Who had taken physics, जिन्होंने क्या लिया है physics लिया है, and C denotes the set of students who had taken chemistry, जिन्होंने क्या लिया है हमारा chemistry लिया है, and 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken maths and physics, and 3 had taken all three subjects। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हर एक स्टूडेंट ने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है, तो हमें एक यूनिवर्सल सेट भी मानना होगा। यू डिनोट्स द सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु सर्वेड, जो जिनका सर्वे हुआ है। अगर वो कहता कि एटलीस्ट All students have taken at least one of the subject, तो जो 25 है वो N A union B union C हो जाता, but यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, तो N U क्या है हमारा 25, N A क्या है जिन्होंने maths लिया है वो है हमारे पास 15, N B जिन्होंने हमारा physics लिया है वो 12 है, N C जिन्होंने हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री लिया है वो है हमारे पास 11। फाइव हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, पांच ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री मींस एन ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 5 है, एंड
नाइन हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नाइन ऐसे हैं जिन्होंने ए और बी यानी मैथ्स और फिजिक्स लिया है। अब हमारे पास बचा एन बी इंटरसेक्शन सी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनों ने लिया है हमारा, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है हमारा फोर, फोर हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थ्री हैड टेकन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना दे रखा है, थ्री। आपको जो डाटा है वो केयरफुली नोट डाउन करना है, अगर यहाँ एक वैल्यू भी मिसप्लेस हो गई तो पूरे क्वेश्चन का आंसर अलग ही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट 8 क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे वेन डायग्राम से, बट उससे पहले हम निकाल लेते हैं द स्टूडेंट्स हु हैड टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिनमें से कम एक सब्जेक्ट लिया है। हमारे पास ये बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए किसके बराबर है हमारा, 15 के बराबर है, एन बी है हमारा 12, ये है 11 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 9, 5, 4 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे 1, 2, 3 और 5, 8, 8 और 3, 11, 1 कैरी आ गया, यहाँ पे आ गया 41 माइनस 41 माइनस 9, 5, 14 माइनस 18, 11 में से 8 किया 3, 3 माइनस 1 इज 23। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है वो हमारे पास क्या है, 23 हैं। तो अब हम बनाते हैं इसके लिए वेन डायग्राम। ऐसा ही डायग्राम बनाना है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में बनाया है। ये है हमारे पास एन ए जो कितने दे रखे हैं हमें, 25। ये है एन बी जो कितने दे रखे हैं हमें, 12। एन सी 11। ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी कितने दे रखे हैं हमें, ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 9। बी इंटरसेक्शन सी कितने दे रखे हैं हमें, एन बी इंटरसेक्शन सी दे रखे हैं 4। ये है एन ए इंटरसेक्शन सी कितने दे रखे हैं, 5। और जो तीनों को पढ़ते हैं वो कितना दे रखे हैं हमें, 3। मतलब ये बीच वाला पार्ट 3 दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखें 9 में से 3 सबट्रैक्ट कर दें तो 6 स्टूडेंट कौन से हैं जो ए और बी यानी केवल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली। यहाँ 4 में से 3 सबट्रैक्ट कर दें तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जो बी और सी यानी केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता है। 5 - 3 इज 2, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। उसके बाद ये पूरा पार्ट ए का है, इसमें ये स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएंगे 14, 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स ओनली। अब बी वाले सेट को देखिए, 6 1 7 3 10, 10 इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 कौन से हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स ओनली। अब सी वाले पार्ट को देखिए, 3 2 5 और 1 6, 11 में से 6 गया 5, 5 कौन से हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री ओनली। अब हमने सारा जो डाटा हमें अब चाहिए था वो हमने बना लिया है, अब क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करते हैं। सबसे पहला पूछ रहा है ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं,
बस वेन डायग्राम से देखिए और आंसर दीजिए। ओनली केमिस्ट्री वाले हैं 5, सी सी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओनली वाले हैं 5। सेकंड वो पूछ रहा है हमसे ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स कितने पढ़ते हैं हमारे, सोचें जल्दी से। मैथमेटिक्स है ए, तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। थर्ड वो हमसे पूछ रहा है ओनली फिजिक्स, जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने वाले कौन से हैं हमारे, केवल 2 स्टूडेंट्स हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। फोर्थ वो पूछ रहा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री मतलब क्या है कि मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली, मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली कितने हैं हमारे पास, 6 आ रहे हैं, 6। ये जो 6 हैं वो ए और बी यानी केवल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। फिफ्थ को जरा देखिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ओके ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिफ्थ है आपका। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये फिफ्थ है हमारा, ये फिफ्थ हो गया हमसे। फोर्थ कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो मतलब क्या है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली मतलब बी इंटरसेक्शन सी, और वो क्या है हमारे पास 1 स्टूडेंट है। सिक्स्थ को जरा देखिए ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो केवल मैथ पढ़ने वाले हैं 14, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 2 और केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हमारे पास 5। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 21, एन ए इज 25, ओके 21। उसके बाद यहां पे आएगा सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्या कह रहा है हमसे, एट लीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कि तीनों में से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता हो, वो आ रहे हैं हमारे पास 23। ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता हो। नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, तो यूनिवर्सल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, यूनिवर्सल में से एन ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था हमसे, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब इनमें से केवल एक ही सब्जेक्ट हमारा पढ़ते हों। 6 और 3 9 और 2 11 हो गया हमारे पास, और 11 को हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 14। एन ए को हम देखें तो एन ए हमारे पास 15 है। देखिए हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, जो एन ए है हमारे पास, एन ए है 15 और एन ए 15 रहेंगे, 25 तो टोटल हैं, तो 15 में से दोबारा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 3 कितना हो गया हमारा, 6 प्लस 3 इज 9 और 2 11, 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएंगे। ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए हैं। एंड इसके बाद वो क्या कह रहा है, एक और जहाँ पे मैथ्स आएगी वहाँ पे दिक्कत होगी इसके अंदर, अब वो कह रहा है ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, तो ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट में मैथ पढ़ने वाले कितने हैं हमारे, 4, 5 और 2 7 और 4 क्या हो गया हमारे पास, 11 हो गया है यहाँ पर। तो केवल 11 मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जो ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कितने हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं 11, 6, 11, 23 एंड 2, ओके तो सारा डाटा हमारा सही है, बस यही एक मिस्टेक हुई कि हमने इसमें 25 को ले लिया, एन यू है
एन ए की जगह हमने एन यू को ले लिया, तो आपको केयरफुली सारी वैल्यूज़ को नोट करना है एंड सिंपली प्रोसीड करना है। ये वेन डायग्राम जितना हमने इस क्वेश्चन के अंदर बनाया है, इससे पहले सारे क्वेश्चंस के अंदर भी हम यही सेम डाटा बना के आ रहे थे, तो बस हमने सेम क्वेश्चन को किया है और सारे आंसर्स को ईजिली बता दिया है। इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.5 को फिनिश कर लिया है। इससे अगला जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।